कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर अचानक दोस्त आ जाएं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है. अगर प्लान तरीके से दोस्त आए ना तो वॉट इज़ दैट वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू डू, इट्स अ चाट पार्टी. चाट इज़ समथिंग जो सबको पसंद है, हर समय, कभी भी, कहीं भी. तो चाट की एक ऐसी रेसिपी जो आप लंच में भी खाते हैं, डिनर में भी खाते हैं, शादियों में ज़रूर खाते हैं, दही भल्ले. मेरी रेसिपी, एक्चुअली मेरी नहीं, मेरी वाइफ की रेसिपी. भैया दही भल्लों के लिए पहले भल्ले बनेंगे. भल्लों की जो दाल है, उड़द दाल, बेसिक सी चीज़ है कि ये जो उड़द दाल होती है इसे रात भर सोक करना पड़ता है. मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें पानी जो है ना, बहुत ध्यान से, बिकॉज कम हुआ तो पिसेगा नहीं, ज़्यादा हुआ तो आप बड़े फ्राई नहीं कर पाएंगे. डन. ऑन द अदर साइड इसका दूसरा इंग्रेडिएंट है ये ब्रेड. ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं इनको हम थोड़े से दूध में सोक कर लेंगे. ब्रेड सोक करने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और अब इसे मैंने ऐसे स्पैचुला से मैश कर लिया है. एंड दिस मैश्ड मिक्सचर गोज इनटू दिस बोल. सो मेक श्योर दिस इज नाइस एंड स्मूथ. जब बना रहा था तो आपको लग रहा होगा क्या बिल्ली का खाना बन रहा है, लेकिन अब जब ये बनेगा तो ये एक्स्ट्रा स्मूथनेस देगा. और ये है जी दाल पिसी हुई जो कि है बहुत थिक. इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर एंड आई वांट टू ऐड सम सॉल्ट. ये तैयार है. अब तेल गरम करना है और साथ ही साथ में हमें दही को रेडी करना है. दही हैज़ टू बी क्रीमी, हल्का खट्टा, और उसे हम एनहेंस करेंगे काला नमक और चीनी दोनों को डाल के. दही जिसमें डूबेंगे, लेकिन उससे पहले पानी में डूबेंगे और पानी में हींग होनी बहुत ज़रूरी है एवं नमक. और इसी के साथ में ये थोड़ा सा दही जो हमने बनाया था, ये भल्ले जब फ्राई होकर निकलेंगे तो इस मिक्सचर में इसको सोक करना है. चलिए दो चीज़ तैयार. अभी अपने हाथों को थोड़ा गीला करके, यू नो, जस्ट टेक लाइक दिस गोला और उसमें थोड़ा सा काजू और किशमिश, इन दोनों को एम्बेड कर दिया जाएगा और इसे तेल में छोड़ दिया जाएगा. अभी जो ये फ्राई हो गए हैं ना, इनका तेल ऐसे टिश्यू पे नहीं निकाला जाएगा, ये जाएंगे सीधा इस पानी में. दही, हींग, नमक, इसमें इसे हमने सोक किया है. गर्मा गर्म तेल से निकाल के हमने सीधा पानी में इसलिए डाला क्योंकि जो पोर्स हैं वो खुले हुए होते हैं और वो पानी को पूरी तरह से सोख लेंगे. अब इस पानी को हमें हल्के हाथ से निकालना है. दही रेडी, भल्ले रेडी, प्रेजेंटेशन प्लेट रेडी, मैं रेडी. नाउ व्हाट आर वी वेटिंग फॉर. अब इस दही में इसे गुजिया को, दही गुजिया, यूपी में इसे दही गुजिया कहते हैं, दिल्ली में इसे दही भल्ला कहते हैं. हल्की सी ये हरी चटनी, साथ में जाएगी ये इमली की चटनी. ओए होए, फिर जाएगा थोड़ा सा काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, गार्निश्ड विथ सम जिंजर जूलियंस, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं ये, थोड़े से हरी मिर्च पतली कटी हुई. होय 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 होय. और अब जाएगा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट और वो इंग्रेडिएंट है कच्चा धनिया पाउडर अलॉन्ग विथ सम पीली मिर्च पाउडर along with some more kala namak. And now this beautiful chaat needs some beautiful garnish. So I have some crisp dhaniye ka patta, thoda sa aap pudine ka patta bhi dal sakte ho. This is
दिल्ली की चाट, मतलब बाहर जाएंगे तो यू विल पे हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ फॉर दिस, यहाँ फ्री में बैठ के बना सकते हैं, घर पे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ऑल यू नीड इज विल एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन, ताकि हर हफ्ते आपको पता चलता रहे ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ शेफ अजय चोपड़ा के चैनल पर मिलती रहेंगी। इसलिए कुक विद द बिग डैडी शेफ एंड बिकम द बिग डैडी शेफ।